नमस्कार, मैं शालू बत्रा और आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के अनेक जिलों में आयोजित विजयदशमी महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विजयदशमी के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम भ्रष्टाचार, कन्या भ्रूण हत्या व गंदगी जैसे कलंक को दूर करेंगे। समाज में फैल रही अन्य बुराइयों का दहन करना होगा ताकि हमारा देश व प्रदेश आगे बढ़े और जीवन सदाचारी बने। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि धर्म की अधर्म पर सदैव विजय होती है और असत्य पर सत्य की तथा अन्याय पर न्याय की जीत होती है। देखें पलपल की है खास रिपोर्ट। हर वर्ष की भांति विजय दशमी का ये जो उत्सव है, ये जैसा सारे देश भर में, दुनिया भर में मनाया जा रहा है, आज करनाल में भी उत्सव संपन्न हुआ है। और इस उत्सव के माध्यम से जनता में एक संदेश जाता है कि जैसे भगवान रामचंद्र जी ने आततायी राक्षस रावण को मार करके अन्याय के ऊपर न्याय की विजय का एक मार्ग बनाया था, उसी प्रकार से समाज लगातार इस बात का प्रेरणा हर वर्ष लेता रहे कि हमने कैसे बुराइयों का दमन करना है, कैसे अच्छाइयों को फैलाना है। हर समय में किसी न किसी रूप में बुराई जो सामने आती है, उस पर समाज के सब लोग एकजुट होकर के, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से, परिवार के रूप से, समाज के रूप से, शासन के रूप से, उन बुराइयों को समाप्त करते हुए अच्छाइयों को आगे बढ़ें। जैसे हम लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को चलाकर कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराई को समाप्त किया है, अभी गंदगी को समाप्त करने के लिए स्वच्छता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के ऊपर हम चोट पहुंचा रहे हैं, ईमानदारी हर व्यक्ति के जीवन में आए, इस प्रकार के जितने विषय समाज की उत्थान के, समाज को आगे बढ़ाने के आगे ध्यान में आते हैं, उन सब कामों को हम करते हैं। सरकार भी उसमें सहयोग करती है और मैं इस अवसर पर हरियाणा की जनता को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। करनाल का एक प्रोजेक्ट लिया था, वो सिरे चढ़ा। आज ये कर्ण पार्क जो बहुत ही जीर्ण शीर्ण व्यवस्था में था, इसको ठीक किया गया है। 4.5 एकड़ जमीन के ऊपर ये पार्क है और इसमें 3,45,00,000 रुपए का खर्च करके और ये आज नए सिरे से रेनोवेशन करके आप सब तमाम वासियों को सौंपा जाता है। आपको बहुत बहुत शुभकामना।